एज्रा की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। मेरे मित्रों, अध्याय 2 और अध्याय 3 के बीच समय का अंतराल है। अध्याय 2 के अंत में इसराइल के वंशज स्वदेश लौट आए थे और उनके पास बहुत धन था कि वे मंदिर और नगर का पुनर्द्वार कार्य पूरा कर पाते, परंतु उन्होंने अपने अपने घर बनाए जिसका मान हमें हगै की झिड़कियों से होता है। मेरे प्रियो, हगै ने उन्हें अपने घर बनाने और मंदिर निर्माण को अनदेखा करने के लिए झिड़का था। यह अंतराल सप्ताहों या महीनों या लगभग 2 वर्ष का भी हो सकता है। इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तब योसादाक के पुत्र येशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियल के पुत्र जरुबाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाए, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। मेरे मित्रों, मेरी रुचि की बात तो यह है कि उन्होंने धर्मशास्त्र को पढ़ा और मूसा की व्यवस्था को जाना। वचन को समझने के बाद उनमें न तो विरोध था और न ही मतभेद। वे स्वदेश ही नहीं लौटे, वे मूसा की व्यवस्था में भी लौट आए। धर्मशास्त्र ही उनका अधिकारी था, अतः न तो मानवीय विचार और न ही मानवीय धारणाएं उनके निर्णयों को प्रभावित कर पाए। अतः उनके कार्य मन को समझाने के लिए नहीं थे। यहाँ हमारे लिए एक शिक्षा है, मनुष्य के विचारों और सुझावों का कोई महत्व नहीं होता है। मेरे मित्रों, धर्मशास्त्र परिपूर्ण है और कलीसियाई इतिहास के किसी भी युग में परमेश्वर के निष्ठावानों की अगुवाई के लिए उसमें पर्याप्त निर्देश निहित हैं। यही कारण है कि मैं विधियों, मनोविज्ञान या यवन शास्त्र पर चर्चा नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता हूँ और उसी का प्रचार करता हूँ। हमें 1 या 2 चीर परिचित गद्यांशों की अपेक्षा संपूर्ण बाइबल पर मनन करना है। जी हाँ, मैं इन परिचित गद्यांशों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परंतु वे अब पुराने हो गए हैं। परमेश्वर के वचन के समस्त अध्ययन के बाद हमें किसी भी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी जो आज प्रचलित है, जैसे विवाहित जीवन को सुखमय बनाएं। परमेश्वर के वचन में हर एक समस्या का समाधान है, अतः हम मूल स्रोत की खोज क्यों न करें। इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, तब उन्होंने वेदी को उसके स्थान पर खड़ा किया क्योंकि उन्हें उस ओर के देशों के लोगों का भय रहा और वे उस पर यहोवा के लिए होम बलि अर्थात प्रतिदिन सवेरे और सांझ के होम बलि चढ़ाने लगे। मेरे मित्रों, यह होम बलि की वेदी थी। हमने देखा है कि यह वेदी प्रभु यीशु के क्रूस का प्रतीक थी। होम बलि मसीह के मनुष्यत्व और हमारे लिए उसकी बलि का प्रतीक थी। मसीह निष्कलंक बलि था, वह पापी के स्थान पर मरा। होम बलि चढ़ाते समय वे वास्तव में मसीह के मनुष्यत्व और उसकी प्रायश्चित मृत्यु के पास एकत्र होते थे। जी हाँ, आज विश्वासियों के लिए वही एक भेंट का स्थान है। प्रत्येक विश्वासी गांठ बांध ले कि जिन्होंने मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और विश्वासियों की देह में अर्थात कलीसिया में पवित्र आत्मा द्वारा बपतिस्मा पाते हैं, वे सब भाई बहन हैं। मेरा भाई वह है जिसके साथ मैं सहभागिता करता हूँ। सहभागिता का अर्थ रंग, त्वचा, सामाजिक स्तर और धन संपदा नहीं है। सहभागिता को कलीसियाई वर्ग, बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, प्रोटेस्टेंट, नाजरेन, पेंटिकोस्ट या कैथलिक से कोई प्रयोजन नहीं है। जी हाँ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है क्या वह मसीह यीशु का विश्वासी है। यही सबसे अच्छी और अधिक महत्वपूर्ण बात है। यदि कोई परमेश्वर की संतान है तो वह और मैं एक साथ बैठकर सहभागिता कर सकते हैं।
यह एक अति उत्तम और अच्छी बात है। मेरे प्रियो, बंधुआई से लौटने वालों में से हम एक अद्भुत एकता को देखते हैं। यह एकता परमेश्वर की सब संतान का गुण होना चाहिए। भजन संहिता 133 उसके एक में भजनकार ने कहा, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। स्वदेश लौटने वाले इसराइली दीन एवं दरिद्र जन थे। वे पद प्रतिष्ठा के लोभी नहीं थे, वे केवल परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे थे। जी हाँ, आप और मैं एक युग के अंत में वास करते हैं और वे जो समयों का ज्ञान रखते हैं उनके लिए या आडंबर से मुक्त होना शोभा देता है। भजन संहिता 25 उसके 9 पद में लिखा है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा, हाँ वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। प्रियो, हमें दीन होने की आवश्यकता है। कलीसिया और संस्थाओं में हम बड़े बड़े काम करने का प्रयास करते हैं और मेरे मित्रों, हमें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो आवश्यकता है वह इस बात की है कि हम मसीह यीशु के मनुष्यत्व के पास एकता में या एकत्र हों, जैसा कि ये इसराइली कर रहे थे। इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय उसके 4 और 5 पद में आगे हम पढ़ते हैं, उन्होंने झोपड़ियों के पर्व को माना जैसा कि लिखा है और प्रतिदिन के होम बलि एक एक दिन की गिनती और नियम के अनुसार चढ़ाए। उसके बाद नित्य होम बलि और नए नए चांद और यहोवा के पवित्र किए हुए सब नियत पर्वों के बलि और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए सब स्वेच्छा बलि हर एक के लिए बलि चढ़ाए। मेरे मित्रों, वे परमेश्वर के वचन में लौट आए, उन्होंने वेदी बनाई और अब वे मंदिर की नींव डाल रहे थे। इज़रा 3 अध्याय 8 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, उनके परमेश्वर के भवन में जो यरूशलेम में है, आने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने में शालतियल के पुत्र जरुबाबेल ने और योसादाक के पुत्र येशू ने और उनके अन्य भाइयों ने जो याजक और लेविय थे और जितने बंधुआई से यरूशलेम में आए थे, उन्होंने भी काम को आरंभ किया और 20 वर्ष अथवा उससे अधिक अवस्था के लेवियों को यहोवा के भवन का काम चलाने के लिए नियुक्त किया। तब येशू और उसके बेटे और भाई और कदमियेल और उसके बेटे जो यहूदा की संतान थे और हिनादाद की संतान और उनके बेटे परमेश्वर के भवन में कारीगरों का काम चलाने को खड़े हुए। जब राजमिस्त्रियों ने यहोवा के मंदिर की नींव डाली, तब अपने वस्त्र पहने हुए और तुरहियां लिए हुए याजक और झांझ लिए हुए आसाब के वंश के लेवीय इसलिए नियुक्त किए गए कि इसराइलियों के राजा दाऊद की चलाई हुई रीति के अनुसार यहोवा की स्तुति करें। मेरे मित्रों, अब तक उन्होंने केवल वेदी बनाई थी और मंदिर की नींव डाली थी, परंतु वे ऐसे आनंद विभोर एवं उत्साहित थे जैसे उन्होंने मंदिर निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। उन्होंने समर्पण का अनुष्ठान किया और परमेश्वर का स्तुति गान किया। उनके लिए यह बड़ा रोमांचकारी अनुभव था। मेरे मित्रों, मुद्रास्फीति के युग में कलीसिया अपने आराधनालय के केवल भूमिगत भाग ही बना पाई थी और महंगाई के कारण उन्हें निर्माण कार्य रोकना पड़ा था। अतः वे भूमिगत भाग पर ही चादर डालकर वहां आराधना करते थे। आज वे स्थान बदल गए हैं क्योंकि हमें सर्वाधिक आधुनिक इमारतें चाहिए। हम मात्र भूमिगत भाग से प्रसन्न नहीं होते हैं, तथापि ये यहूदी मंदिर की नींव डालकर ही अत्यधिक उल्लासित थे। अतः उन्होंने स्तुति सभा का आयोजन किया और परमेश्वर की स्तुति की। इज़रा की पुस्तक 3 अध्याय के 11 पद में लिखा है, अतः वे यह गा गाकर यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा इसराइल पर सदैव बनी है। जब वे यहोवा की स्तुति करने लगे, तब सब लोगों ने यह जानकर कि यहोवा के भवन की नींव अब पड़ रही है, ऊंचे शब्द से जय जयकार किया। मेरे मित्रों, ये पीढ़ी नई थी, उन्होंने सुलेमान का मंदिर नहीं देखा था, परंतु वे आनंदित थे।
इज़रा 3 अध्याय उसके 12 और 13 पद में लिखा है, परंतु बहुत तेरे याजक और लेविये और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहला भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुत तेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने के शब्द से अलग पहचान न सके, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। मेरे प्रिय मित्रों, समर्पण अनुष्ठान में दो समूह उपस्थित थे। वहां वह युवा पीढ़ी भी थी जिसने पुराने मंदिर को नहीं देखा था। यह मंदिर उनके लिए नया था। वे संपूर्ण उत्साह के साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, अतः परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। दूसरा समूह वृद्ध अर्थात बूढ़े पीढ़ी का था। वे सुलेमान के मंदिर और उसके वैभव को स्मरण कर रहे थे और मेरे विचार में कुछ तो कह भी रहे होंगे, या तो कुछ भी नहीं है, काश इन बच्चों ने सुलेमान का मंदिर देखा होता। जी हाँ, उनकी यह बात युवाओं के लिए उत्साहजनक नहीं थी, परंतु वह सच था। एक समस्या जिसका निवारण परमेश्वर को करना पड़ा वह इन वृद्धों द्वारा पुराने मंदिर की चर्चा करके निरुत्साह उत्पन्न करना था। इसकी प्रतिक्रिया हम हगै के शब्दों में देखते हैं। उसने कहा, प्रभु कहता है निर्माण करो, परमेश्वर तुम्हारे साथ है। वह सुलेमान के वैभवशाली मंदिर में अंततः रहा नहीं, महिमा वहां से प्रस्थान कर चुकी थी, परंतु परमेश्वर तुम्हारे साथ है, साहस धर कर निर्माण करो। मेरे मित्रों, आज भी अनेक वृद्ध परमेश्वर के काम को बाधित करते हैं। आत्मिक अभियान आज कलीसियाओं से बाहर होने का एक कारण यह भी है कि वृद्ध जन उससे रोक रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनकी परंपरा, उनके रीति रिवाज, उनकी बातों को कलीसिया में लागू किया जाए। वे केवल पुराने समय में वास करते हैं, वे नए युग में प्रवेश करना नहीं चाहते। आज आत्मिक अभियान का नयापन या कहें न्याय करने में एक संकट है। मैं भी इन कार्यक्रमों के अनेक पक्षों का आलोचक हूं, क्योंकि मैं पुराने जमाने का व्यक्ति नहीं हूं, परंतु हम न्याय न करें, हम देखें कि क्या होगा। परमेश्वर अपने लोगों को जानता है, वह गेहूं को भूसे से अलग करेगा। जी हाँ, यह उसका काम है, मेरा और आपका नहीं। हमें तो परमेश्वर का धन्यवाद करना और आनंदित होना है कि आत्मिक अभियान चल रहा है, परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंच रहा है, परमेश्वर के लिए आत्माएं जीती जा रही है। हम इस वर्तमान समय में न तो रोएं और न ही आलोचना करें। मेरे मित्रों, मुझे एक ऐसा ही समय स्मरण आता है जब मैं परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए बाइबल अध्ययन के विद्यालय में एक विद्यार्थी था। तब मुझे ग्रीष्मकालीन सभाओं के आयोजन का उत्तरदायित्व सौंपा गया। मैंने प्रचार किया और प्रचारक के रहते हुए भी परमेश्वर ने आशीष दी, अनेकों ने उद्धार पाया। कलीसिया के कुछ युवा पदाधिकारी मेरे पास मेरे साथ इस उपलब्धि पर आनंदित हो रहे थे, अर्थात आनंद मना रहे थे कि एक वृद्ध ने अपनी बड़ी बड़ी मूछें हिलाते हुए कहा, तुम युवकों की सभा अच्छी थी, परंतु मुझे स्मरण है कि जब .. और हमने उसकी पूरी कहानी सुनी। जब उसने अपनी कहानी पूरी सुना दी तब हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, हम सब निराश हो गए। जी हाँ, हतोत्साह हम पर घर कर गया। बाद में मैंने एक वृद्ध महिला से उस प्राचीन सभा के बारे में पूछा तो उसने कहा कि उस सभा में कोई बड़ी बात नहीं थी। आप जानते हैं कि वह पुरुष सठिया गया था और ज्यों ज्यों वह बूढ़ा होता जाता है वह सभा भी महान होती जाती है। वह सभा वैसी महान नहीं थी जैसी कि वह सोच रहा था, वह बता रहा था। मेरे प्रियो, हम आगे देखते हैं। शेयर्स की आज्ञा से मंदिर निर्माण बाधित होता है। मंदिर के पुनः निर्माण का विरोध भीतर से नहीं बाहर से उठता है। यह अध्याय विस्तृत है, परंतु मैं केवल घटनाओं पर ही आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। आइए हम देखते हैं इज़रा की पुस्तक 4 अध्याय
उसके एक और दो पद में। जब यहूदा और बिन्यामीन के शत्रुओं ने यह सुना कि बंधुआई से छूटे हुए लोग इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए मंदिर बना रहे हैं, तब वे जरुबाबेल और पूर्वजों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों के पास आकर उनसे कहने लगे, हमें भी अपने संग बनाने दो, क्योंकि तुम्हारे समान हम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे हुए हैं, और अश्शूर का राजा एहर्षदोन जिसने हमें यहाँ पहुँचाया उसके दिनों से हम उसी को बलि चढ़ाते भी हैं। मेरे मित्रों, मैं आगे चलकर इस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करूँगा कि केवल यहूदा और बिन्यामीन के सदस्य ही नहीं, बारहों गोत्र के सदस्य यरूशलेम लौटे थे। ये अन्य जन कह रहे थे कि वे प्रतिज्ञा के देश में तब लौट आए थे जब अश्शूरों का राजा एहर्षदोन राज कर रहा था। आपको स्मरण होगा कि उत्तरी राज्य को बंधुआई में ले जाने वाले अश्शूर थे, असीरियन थे। उनमें से कुछ लोग गुप्त रूप से लौट आए थे और सामरियों में घुल मिल गए थे। अब वे बेबीलोन से लौट रहे इसराइलियों के साथ हो जाना चाहते थे। वैरी की पहली युक्ति कि मंदिर का निर्माण ना हो, यह थी कि उनके पास समझौता करें। मेरे प्रियो, शैतान आज भी ऐसी ही चाल चल रहा है। वह कलीसिया के मुक्त विचारवादियों के माध्यम से काम कर रहा है। मुक्त विचारवादियों ने कलीसिया का विभाजन कर दिया है और दोष लगाते हैं कि रूढ़िवादी सदा ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। वे कहते हैं हमारे साथ आ जाओ, और क्योंकि हम उनके साथ नहीं हो लेते वे हमें झगड़ालू कहते हैं। उन्होंने पहले तो कलीसिया का विभाजन कर दिया और अब वे चाहते हैं कि हम उनकी शर्तें मानकर उनके साथ एक हो जाएं। मेरे प्रिय मित्रों, कई बार कलीसिया से उन्नति की बात होती है परंतु बाहर से विरोध उत्पन्न होता है। यहूदा और बिन्यामीन के विरोधी कहने लगे, हम अब तक परमेश्वर ही की उपासना करते रहे हैं, तुम तो अब आ गए हो, हमें भी अपने साथ ले लो और हम सब एक मन उसकी आराधना करेंगे। सुनने में तो यह बहुत अच्छा लगता है, परंतु हम आगे चल करके देखेंगे कि उनकी मंशा या उनका विचार वास्तव में क्या था। हम इज़रा की पुस्तक 4:3 में पढ़ते हैं, जरुबाबेल, येशु और इसराइल के पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों ने उनसे कहा, हमारे परमेश्वर के लिए भवन बनाने में तुम्हारा हमसे कोई संबंध नहीं, हम ही लोग एक संग मिलकर फारस के राजा कुसरो की आज्ञा के अनुसार इसराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए उसे बनाएंगे। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, इसराइल के मुख्य पुरुष अच्छे नहीं थे। क्या वे अच्छे थे? उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, वे सार्वभौमिक कलीसिया के अभियान में रुचि नहीं रखते थे। और सच तो यह है कि उन्होंने अभद्रता प्रकट की, परंतु ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि उन्होंने जो किया वह उचित था। यही महत्वपूर्ण बात है। जब बाइबल और मनोविज्ञान आमने सामने आ जाएं, तो परमेश्वर की संतान के लिए बाइबल का स्थान बड़ा होना चाहिए, न कि विज्ञान का। इज़रा की पुस्तक 4:4-5 में हम आगे पढ़ते हैं, तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा कुसरो के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उनके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपया देते रहे। मेरे मित्रों, अब उनका भेद यहाँ पर प्रकट होता है। ज्यों ही उनका इनकार किया गया, त्यों ही उन्होंने अपना विरोध करना आरंभ कर दिया। वे वास्तव में उनके शुभ चिंतक नहीं थे। वे चाहते थे कि परमेश्वर का भवन का निर्माण यहाँ पर ना हो, इसराइली फिर से परमेश्वर के भवन को ना बना पाए, उसकी आराधना और होम बलि ना चढ़ा पाए। परंतु परमेश्वर इस बात को भली भांति जानता था और वह अपने लोगों को इसके लिए तैयार भी कर रहा था। हम इज़रा की पुस्तक 4:7 में पढ़ते हैं, फिर अर्थशत्र के दिनों में विश्लाम, मृतदात और ताबेल ने और उसके सहगियों ने फारस के राजा अर्थशत्र को चिट्ठी लिखी, और चिट्ठी आरामी अक्षरों और आरामी भाषा में लिखी गई।
मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने फारस के राजा को एक झूठा पत्र लिखा और यरूशलेम के पुनरुद्वार करने वाले इन इसराइलियों पर झूठे आरोप लगाए। उनके पत्र की नकल यहाँ पर दी गई है। आइए हम पढ़ें इज़रा की पुस्तक 4 अध्याय उसके 11 से 13 पद में। जो चिट्ठी उन्होंने अर्थशत्र राजा को लिखी उसकी यह नकल है। राजा अर्थशत्र की सेवा में तेरे दास जो महानद के पार के मनुष्य हैं तुझे शुभकामनाएं भेजते हैं। राजा को यह विदित हो कि जो यहूदी तेरे पास से चले आए वे हमारे पास यरूशलेम को पहुँचे हैं। वे उस दंगेत और घिनौने नगर को बसा रहे हैं, वरन उसके शहरपनाह को खड़ा कर चुके हैं और उसकी नेव को जोड़ चुके हैं। अब राजा को विदित हो कि यदि वह नगर बस गया और उसकी शहरपनाह बन गई तब तो वे लोग कर चुंगे और राहदारी फिर न देंगे और अंत में राजाओं की हानि होगी। मेरे प्रियो, उन्होंने तर्कपूर्वक लिखा कि यरूशलेम वासी पहले भी विद्रोही थे और यदि उन्हें फिर से बसने दिया जाए तो राजा शेयर्स को आगे चलकर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। फारस के राजा ने उनकी बात पर कान लगाया और इतिहास में देखा कि वे सही कहते हैं, अतः उसने उत्तर दिया इज़रा की पुस्तक 4 अध्याय 19 से 22 पद में। मेरी आज्ञा से खोज किए जाने पर जान पड़ा है कि वह नगर प्राचीन काल से राजाओं के विरुद्ध सिर उठाता आया है और उसमें दंगा और बलवा होता आया है। यरूशलेम के सामर्थी राजा भी हुए जो महानद के पार से समस्त देश पर राज्य करते थे और कर चुंगी और राहदारी उनको दी जाती थी। इसलिए अब इस आज्ञा का प्रचार कर कि वे मनुष्य रोके जाएं और जब तक मेरी ओर से आज्ञा न मिले तब तक वह नगर बनाया न जाए। चौकस रहो, इस बात में ढीले न होना, राजाओं की हानि करने वाली वह बुराई क्यों बढ़ने पाए। मेरे मित्रों, राजा का पत्र पाते ही मित्रता का स्वांग भरने वाले और मंदिर निर्माण में सहयोग देने वाले अब पत्र लेकर निर्माण स्थल पर आते हैं। तब क्या होता है? इज़रा की पुस्तक 4 अध्याय 23 और 24 पद में लिखा है, जब राजा अर्धशत्र की यह चिट्ठी रहुम और शिमसै मंत्री और उनके सहयोगियों को पढ़कर सुनाई गई तब वे उतावली करके यरूशलेम को यहूदियों के पास गए और बलपूर्वक उनको रोक दिया। तब परमेश्वर के भवन का काम जो यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के दूसरे वर्ष तक रुका रहा। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्हें निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया, अर्थात निर्माण कार्य रोकने पर बाध्य किया गया ताकि वे परमेश्वर के भवन को ना बना पाए।